यहीं से कल शिव जी का बाराती निकलेगा और यहीं से कल शंकर भगवान का शादी है। मैं भी हेल्प किया वैसे ना थोड़ा सा, अब वो थक गया तो खड़ा है। सॉफ्ट था तो कर लिया, हार्ड जब हुआ तो हमको दे दिया। हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहान विशाल ब्लॉग्स, और हम लोग लेके आ रहे हैं नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो फैमिली अभी छत पे आए हुए हैं और बहुत तेज़ धूप है, तो सोचे पेड़ में पानी दे दे। कल है शिवरात्रि और हमारे यहाँ अशोक धाम एक शिव जी का बहुत बड़ा टेम्पल है, तो वहाँ बहुत अच्छे से तैयारी होता है, बहुत अच्छे से पूजा होता है शिवरात्रि का। तो अगर पॉसिबल हुआ तो आज वहाँ का चल के एडवांस में आपको सजावट दिखाएंगे, फिर कल हम लोग शिवरात्रि के लिए वहाँ जाएंगे पूजा करने के लिए, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी पहले हम छत पे पानी दे लेते हैं। आज क्या कर रहे हैं आप सुबह? करवा रही हूँ, कर नहीं रहे हैं। तो आज मलाई निकाल रहे हैं, मशीन भी नहीं दी हमको, डंडा वाले से आज निकलवा रही हूँ। भी हेल्प किया वैसे ना थोड़ा सा, अब वो थक गया तो खड़ा है। सॉफ्ट था तो कर लिया, हार्ड जब हुआ तो हमको दे दिया। तो ये मलाई मथ रहे, मतलब जमा हो गया था, तो अब आज घी निकलेगा। तो अभी हम क्या, अभी हम कोफ्ता बना रहे हैं, यहाँ पे छाँक के रख लिए हैं और बस अब बनाना है। यहाँ दाल चढ़ा हुआ है, यहाँ दूध चढ़ा हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा बिजी है हम। अभी यहाँ पे एलोवेरा जूस बन रहा है। किसके लिए बन रहा है? दोनों के लिए बन रहा है, हो जाएगा इतना में। इसमें एलोवेरा है, नमक है, नींबू का लगा लगा के थी? नहीं, इसमें पानी जाएगा और आधा नींबू जाएगा। और बहुत टेस्टी लगता है, हमको यही पहली बार बना के पिलाए थे, हमको पता भी नहीं था कि एलोवेरा का भी जूस बनता है। हद हो गया ना। और ये सब चीज के लिए फायदेमंद है पता है। जैसे फेस में भी लगा लिए इसका छिलका, देखो साइलेंट लगा लिया। तो फैमिली यही उस मंदिर का एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस का गेट है और यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर अंदर है वो मंदिर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, श्री इंद्रमणेश्वर धाम मंदिर या अशोक धाम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। जैसा कि हम बोले थे यहाँ पूरा सजने का तैयारी चालू है और चूंकि कल शिवरात्रि है तो यहाँ पूरा अभी सजावट चल रहा है और भीड़ भी काफ़ी है, देख सकते हैं अभी पूरा इसको सजा दिया गया है इस मंदिर को। और कल तो बहुत और ज़्यादा अभी काम चल ही रहा है और कल बहुत ज़्यादा और सुंदर लगेगा। यहीं से कल शिव जी का बाराती निकलेगा और यहीं से कल शंकर भगवान का शादी है। हर गेट भी आप देख सकते हैं, ये अंदर भोले बाबा का रहता है पूरा, अभी आज बंद है, अब ये कल ही खुलेगा, द्वार बंद है भोले बाबा का। अंदर अभी इसके अंदर भी तैयार, और अंदर का तो दृश्य देख करके मन मुग्ध हो जाता है, बहुत सुंदर रहता है। और कल तो जगह भी नहीं रहेगा यहाँ खड़ा होने का, काफ़ी भीड़ रहेगा चारों तरफ, शादी ब्याह सब होता है इसी मंदिर से। यहाँ को भी बोल रहे थे कि चलो घूम लेना, बोली नहीं आप ही जाइए, कल हम आएंगे और उसके बाद वहाँ का दृश्य आपको दिखाएंगे, मन तो मुग्ध हो जाएगा। हम चूँकि इधर से क्रॉस कर रहे थे तो आपको दिखा दिए, और बहुत ज़्यादा सुंदर सजा हुआ है और मतलब यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब कहीं जाए नहीं, और ऐसे तो कल आपको दिखाएंगे ही, तो ब्लॉग हम लोग का जो देखते हैं वो रेगुलर देखते हैं रेगुलर, वो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा देखने में। कल पूरा दिखाएंगे, कल यहाँ का भीड़ दिखाएंगे चारों तरफ, अभी भीड़ स्टार्ट ही हो गया, आज से ही पूजा पाठ स्टार्ट है मंदिर में। चावल फ्राई ही बना रहे हैं रात में, क्योंकि बहुत सारा चावल बच गया था दिन का, हम भी नहीं खाए थे और ये भी नहीं खाते हैं, और ज़्यादा बन गया था तो बच गया है, तो आज हम लोग चावल फ्राई ही खाएंगे।
सुबह सुबह का ही बच गया था, मतलब रात में खाएंगे। तो अभी हम खा रहे हैं भुना हुआ चावल, बहुत टेस्टी लग रहा है और बहुत दिन बाद एक्चुअली में खा रहे हैं। बहुत टेस्टी। और कैरा भी खा रही है, क्या खा रही है कैरा? चावल। गाइस राज के बज रहे हैं 10:20 और मेरा एडिटिंग आज का ख़त्म हो गया है और आज हम लोग ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाए क्योंकि मैं अशोकधाम मंदिर गया था जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा, और इतने दूर है यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर बाइक से गया तो थक गया आज, तो अब मुझे नींद आ रही है। एडिटिंग मैंने जैसे तैसे पूरे किए और नेहा का कहना था कि एडिटिंग आज रात को ही एंड कीजिए, तो हम रात को एंड कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो कल का वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। Go, there's no doubt it. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let